कृष्ण श्रवण करना, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैसाख का महीना आए ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, अच्छे से सुनिए, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो पांच स्थान, वो पांच स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांचवे नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के तीन भाग होते हैं, करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको, त्रिशूल का जो तीन भाग होता है, उस तीन भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान ये पांचवा स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। तीन महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखी आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो, तो कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार,
जिसको बहुत शौक होता है शुगुन कराने का कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई अंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई कई माताओं की आदत रहती है अपने घर की माताओं से कह देती है अंडा लेके निकल जा अंडा लेके निकल शुगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिल गया, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। पांच स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, पांचवा त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आप जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की पांच बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम लेओ, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और पांचवे नंबर की देव। ये शिवजी की पांच लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख महीने का उपाय, वैशाख महीने का आखिरी सोमवार का उपाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।